फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दीक्षा क्रोशेट वर्क में। आज हम एक नंबर के कान्हा जी का पोशाक बनाना सीखेंगे। ये देखिए, मैंने पहले से बना के रखा है पोशाक। एक नंबर के कान्हा जी का है। इसको दो पार्ट में बनाएंगे हम। आज चोली बनाएंगे और कल घेरा बनाना सीखेंगे। इसके लिए 6 नंबर का क्रोशिया हुक लगेगा। ये देखिए, मैंने 6 नंबर के क्रोशिया से बनाया है। सीजर, निडल और कुछ मोती लगेंगे, मीडियम साइज के मोती हैं। ये लगाऊंगी घेरे में। सबसे पहले हम सिंपल सा नोट लगाएंगे। और 13 चेन बनाएंगे। ये देखिए, 13 चेन मैंने बना लिया है और 3 चेन और बनाना है। 2, 3 फिर अब डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। तो ये 3 हो गए हमारे चेन और एक यहाँ 13 नंबर पे बनाएंगे डबल क्रोशिया। ये हमारे 2 हो जाएंगे। तो हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। ये देखिए, मैंने बना लिया है। मैं काउंट करके दिखा देती हूँ आपको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 13 हमारी चैन थी और एक 3 चेन अलग से बनाया था, तो वो मिलाकर 14 हो गया। अब इसको फिर से 3 चेन बनाएंगे इसके बाद, और हर घर में 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फर्स्ट में भी बनाएंगे 2। तो ये हमारा 2 हो गया। इसके बाद हर एक घर में 2-2 बनाएंगे। ये देखिए, 14 का 28 कर दिया मैंने 2-2 करके। अब फिर इसको अब डिवाइड करेंगे बाजू इसका। तो यहाँ 3 चेन बना के और हर एक चेन में एक एक बनाएंगे, तो 7 बनाना है हमें, है ना। 7, तो ये 2 हो गया। मैं 7 बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ 4 बनाएंगे। 4 के बाद 6 स्किप करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 साथ में डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया और हम 8 यहाँ से काउंट करेंगे, तो 8 डबल क्रोशिया बनाना है। तो मैं 7 और ये 8, और फिर से 6 स्किप करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 स्किप करके और 4 डबल क्रोशिया बनाना है ना। तो 7 में बनाएंगे। 6 हो गया यहाँ, तो ये 7 नंबर में बनाना है डबल क्रोशिया। 4 डबल क्रोशिया अब बनेगा हमारा। 1, 2, 3 और ये 4। ये देखिए, हमारे आर्म होल हो गए। अब इसे ज्वाइन कर देंगे यहाँ इसके 3 नंबर पे। 1, 1, 2, 3 इसको स्लिप स्टिच से यहाँ ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए, मैंने कॉटन थ्रेड से बनाया है एक नंबर के कान्हा जी का चोली। अब इसमें अब यहाँ कॉटन थ्रेड दूसरा जोड़ना है मुझे, ज्वाइन करना है। तो यहाँ से ज्वाइन करेंगे और यहाँ ज्वाइन कर लेते हैं दूसरा यार्ड इस प्रकार से। और हर में 2-2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। एक हो गया था हमारा ये, और एक चेन 2 सिंगल क्रोशिया करना है ना। तो ऐसे कीजिए, हमारे 2-2 करेंगे। 2 हो गया, एक चेन 2 फिर करेंगे।
एक सिंगल क्रोशिया और ये दो। ये देखिए, इसके बाद गले पे यहाँ वापस से एक करेंगे सिंगल क्रोशिया। इस गले पे हम सब में एक एक करेंगे सिंगल क्रोशिया। तो मैं कर, ये देखिए, अब दूसरे साइड भी यहाँ पे दो करेंगे गले के पास, दो, फिर एक चेन, दो सिंगल क्रोशिया। एक चेन हो गया हमारा, इसमें दो करेंगे, एक दो, फिर ये लास्ट है हमारा, इसमें भी एक करेंगे चेन, दो सिंगल क्रोशिया। ये देखिए, अब यहाँ पे ग्रीन कलर के धागे को कट कर देंगे। इसे मैं अभी ऐसे कट कर रही हूँ, घेरा बनाऊंगी तो फिर मैं इसे ज्वाइन कर लूंगी वापस से। ये देखिए, ये हमारी चोली बनकर तैयार हो गई है कान्हा जी की। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाय फ्रेंड्स।